हाँ जी मिठू, के पकौड़े बन चुके हैं, साथ साथ मीठे खा रहे हैं। जो बच जाएंगे वो कड़ी में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। शुरू करते हैं आज की रूटीन। रूटीन शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो प्यारे व्यूअर्स, सुबह सुबह के टाइम है, उठे हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, साथ रहिएगा। और बाकी जो भी दिन की रूटीन होगी वो भी साथ शेयर करूँगी। सुबह सुबह उठे हैं, नमाज कुरान पढ़ने के बाद नाश्ते की तैयारी हो रही है। और भी सर अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। नाश्ता करेंगे फिर आके इधर गरम गरम भी सर में बैठ जाएंगे क्योंकि सारा दिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ बाहर धुंध कितनी ज़्यादा है। आज तो इतनी वो साथ ना जैसे बारिश हो रही हो ना, ऐसे वो पानी भी गिर रहा है साथ धुंध से। और ये मैंने रोटियां बना के रख ली हैं बैठे, और चाय अभी बन रही है। तो अभी छत पे जाके ना दिखाती हूँ धुंध। ये मैं आ रही हूँ छत पे क्योंकि नीचे से ये धुंध नजर नहीं आनी थी। काफी ज्यादा धुंध है। और ये ना बारिश जैसे हो रही हो ना, वैसे धुंध का पानी नीचे आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ना हल्की हल्की बूंदें आ रही हो बारिश की। तो अभी फिर नीचे चलती हूँ, उधर जाके नाश्ते की तैयारी हो रही है, नाश्ता करते हैं बैठ के। नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, चाय बन गई है, और आज कढ़ी पकौड़े हैं नाश्ते में। सारिम नाश्ता कर रहा है बैठा। सारिम को कढ़ी पकौड़े बहुत ही पसंद हैं। इनको भी दाने डालती हूँ। ये देखिए कैसे कवर किया हुआ है इनको। अभी ये सामने से मैंने कपड़ा हटाया है तो मैंने कहा इसे इनको भी सर्दी ना लग जाए। और इधर है हमारे मिठू। मिठू गुस्से में है, मिठू को पराठा दे दिया है फिर भी गुस्से में है मिठू। ये इसका पराठा पड़ा है, इसे भी कवर किया हुआ है कपड़े से। अभी ये थोड़ा सा कपड़ा हटाया है। मिठू हाँ जी मिठू, शाम का टाइम है और आज बना रहे हैं कढ़ी। तो कढ़ी बड़ी ही मज़े की बनी है, 12 मसाले डाल के। 12 मसाले इसलिए क्योंकि इसमें मसाले बहुत ज़्यादा डाले हैं। करारी करारी कढ़ी बनी है इसमें ना, कसूरी मेथी, सब्ज मेथी और बाकी जो भी चीज़ें हैं ना उसे बनाई है। तो साथ ही इधर फूल देसी माहौल बना हुआ है, ये पकौड़ों के लिए सामान बना के रखा हुआ है। और इधर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, आग जला के रखी हुई है सेकने के लिए। और इधर सारे बैठा कढ़ी खा रहा है, साथ ही इधर बन रही है धनिया की चटनी
धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्चें तो बड़ी ही मज़े की बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए, उसे भेजनी है बड़ी दूर। तो साग भी कल बनाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें फिर करके ना बेटे को भेजनी है खाने के लिए। अभी बनाते हैं पकौड़े। कढ़ी हमारी पक चुकी है तो अब बन रहे हैं मज़े के पकौड़े। तो आज बड़ी मज़े की रोटी खाएंगे हम सब मिलके और साथ भेजेंगे बड़ी दूर का गिफ्ट ये। मज़े के पकौड़े बन चुके हैं, साथ साथ मैठे खा रहे हैं, जो बच जाएंगे वो कढ़ी में डाल लेंगे। तो बहुत ही मज़े के बने हैं। साग पक रहा है, लकड़ियों पे बना रहे हैं साग। साग को रगड़ लिया है तो अभी इसमें पानी है, थोड़ी देर के लिए और बनाना है। ये देखें जी साग हमने तड़का लगा लिया है तो मज़े का साग बन गया है। ये जाना है बहुत दूर दुबई जाना है तो ये देसी घी इसमें डाल लिया है तो अभी इसे मिक्स करते हैं। गर्मा गर्म साग देसी घी के साथ, सारा दिन लग गया साग बनाते बनाते। प्यारे बस ये थी मेरी आज की छोटी सी रूटीन जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दुआ में याद रखना, मैं भी आप सब बहन भाई को दुआ में याद रखती हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, से मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ वीडियो करते हैं एंड। अगली नई प्यारी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।